हेलो दोस्तों, वेलकम आवर गेन ऑफ नर्सरी। दोस्तों आज हम आपके गेन ऑफ नर्सरी में आपको दिखाएंगे हम मियाजा की मैंगो प्लांट। दोस्तों ये आप जो भी जितने भी सारे प्लांट आप देख रहे हो ये सारे हैं मियाजा की मैंगो प्लांट। दोस्तों मियाजा की मैंगो प्लांट इतना खास क्यों है और लोग इसको इतना पसंद क्यों करते हैं? तो दोस्तों पहले हम आपको पौधा दिखाते हैं, इसका पौधा की ग्रोथ और कंडीशन। ये देखिए पौधा, देखिए मल्टी ब्रांचेज वाले हैं दोस्तों, ये मल्टी ब्रांचेज वाले हैं मियाजा के प्लांट। आप देख सकते हो प्लांट की हाइट भी देखिए, करीब हमारी हाइट से 5.5 फीट से ऊपर है, तो मतलब ये आपको करीब 4.5 फीट 5 फीट के ऊपर है, मतलब यही हाइट सबसे बेस्ट है। दोस्तों मियाजा की ये है एक जापानी वैरायटी है और इसका जो आम के कलर होते हैं बिल्कुल रेड कलर के आते हैं, मतलब कलरफुल मैंगो होते हैं। इसका आम के ऊपर ना थोड़ा पाउडर जैसा होता है। और लेकिन इसको लोग इतना क्यों पसंद करते हैं मार्केट में, खासकर इंडिया में जब इतने सारे कलरफुल आम हैं? दोस्तों क्योंकि ये काफ़ी महंगे आमों के अंदर गिना जाते हैं। ये आम काफ़ी महंगे हैं क्योंकि इसको 2-2.5 लाख में भी इसका आम बिकता है। लेकिन आप ये मत सोचिए आपको भी 2-2.5 लाख में बिक जाएगा, ये आप सोच के आप इसका पौधा ना खरीदें ना लगाएं। लेकिन ये कलरफुल मैंगो प्लांट है, खाने में बहुत बढ़िया है। उसी हिसाब से और 5 मैंगो की वैरायटी जैसा आप अपने गार्डन पर अपने बगीचे पर लगा रखें उसी हिसाब से आप इसको लगा सकते हो। लेकिन ये मत सोचिए आपको भी 2-2.5 लाख में बिक जाएगा, ऐसा सोच के बिल्कुल नहीं लगाते हैं, ठीक है। लेकिन कलरफुल आम या आम पसंद करते हो आप, तब जरूर आप अपने गार्डन पर अपने बगीचे पर लगा सकते हो। ये जापान की वैरायटी है, इसको कई सारे नाम से पुकारा जाते हैं, कहीं पर इसको सनअप एक भी कहा जाते हैं, हमारे इंडिया में मियाजा की कहा जाती है, एक एक टाइप की नाम से इसको पुकारा जाते हैं। लेकिन ये जो आम की कंडीशन है ये तो है तो बहुत बढ़िया, लेकिन इसका थोड़ा डुप्लीकेट होने की संभावना आजकल इन मार्केट में खूब मिल रहा है। मियाजा के नाम पर ऐसा रेड पल्मर बिका जा रहा है, क्योंकि रेड पल्मर भी थोड़ा रेड कलर के आते हैं, कलरफुल आते हैं, तो आपको इससे बच के रहना, आपको जमीन पौधा खरीदने का अगर मियाजा की खरीदने का, तो आप हमारे से अगर आप चाहे इस तरह के मियाजा की मल्टी ब्रांचेज वाले हो, सिंगल ब्रांचेज वाले, ये जैसा 4.5 फीट 5 फीट की हाइट वाला है, आप चाहे तो 2.5-3 फीट की हाइट वाला है, वो भी हमसे खरीद सकते हो। मियाजा की मैंगो के पौधा थोड़ा कॉस्टली होते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि इसका वजह यही है, ये आम महंगा है, कलरफुल है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया में इतना अवेलेबल भी नहीं है। जैसे ये हमने सारे के सारे बांग्लादेश से मंगाया, क्योंकि हमारे इंडिया में इतना, हमने एक मदर प्लांट बनाते हैं उसमें से कितना पौधा तैयार कर सकते हैं, एक पौधे से हम कितना तैयार। लेकिन बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश हमारे एग्रीकल्चर में, ये बुरी बात नहीं है, ये हमको मानना पड़ेगा, एग्रीकल्चर में खास करके एग्रीकल्चर पर बांग्लादेश हमारे से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है, तो हम उनको फॉलो करते हैं, उनसे हम फॉलो करते हैं, इसीलिए हम बांग्लादेश से ये सारे पौधा मंगाए हैं। तो ये आपको बिल्कुल सीलिंग पौधा होंगे और मियाजाकी की वैरायटी, अगर आप चाहें तो इस तरह की मियाजाकी के पौधा हमारे से खरीद सकते हैं। हमारी ये नर्सरी कलकत्ता में, हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में होम डिलीवरी की सुविधा है और हमारे नर्सरी काफ़ी सारे मैंगो के पौधे भी है। आप चाहे तो किसी भी तरह के पौधे के लिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो बस दोस्तों वीडियो ही खत्म करते हैं, वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करते। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो और लाइक तो ज़रूर आपको करने। अगर आपके मन में किसी भी तरह के सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। धन्यवाद।